नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी के केस में स्टेबिलिटी की बात की जाती है या बिल्कुल ही जो सबमर्ज्ड बॉडी होती है उसके केस में स्टेबिलिटी की बात की जाती है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी को समझना ज़रूरी है क्योंकि उसके बेस पे ही आगे की चीज़ें क्लियर की जाती हैं। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें या इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया जाता है एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ये स्टेबल भी हो सकती है, ये अनस्टेबल भी हो सकती है और ये क्या न्यूट्रल भी हो सकती है। तो इसके बारे में बताया गया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सपोज आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन के साथ आपने चेंज किए। सपोज इस बॉल को सपोज मैं इधर लेके आता हूँ और अगर मैंने यहाँ से फोर्स को हटाया या इसको रिलीव किया तो ये कुछ टाइम बाद अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाती है, तो इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम इस केस की बात करें, यदि इस केस में हम इस बॉल की पोजीशन को चेंज करें तो क्या वो अपनी पोजीशन पर वापस आ पाएगी? बिल्कुल नहीं आ पाएगी। तो इस इक्विलिब्रियम को बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा हम केस डिस्कस करते हैं इस केस को, अगर मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया तो कुछ एक डेफिनेट पाथ पे जाके वो रुकेगी, तो इसको बोला जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फ्लोटिंग के केस में बात की जा सकती है कि जो फ्लोटिंग में कैसे डिफाइन होगा कि ये जो फ्लोटिंग बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो वो आपकी जो मेटा सेंटर की पोजीशन है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन है वो आपको बताता है कि जो बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो हम देखते हैं, ये एक इक्विलिब्रियम का केस था, इसको हम इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं क्योंकि इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर ऑफ बायोंसी है एक ही लाइन ऑफ एक्सिस में है। इसके कारण जो बायोंसी फोर्स है और जो ग्रेविटी या वेट वाला जो फोर्स है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। हमने क्या किया, इसकी पोजीशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से टिल्ट किया इस एग्जांपल में। जैसे ही आप इसकी पोजीशन को चेंज करते हो सेंटर ऑफ बायंसी चेंज होगा, नई लाइन ऑफ एक्शन आएगी और वो जहाँ पे नॉर्मल को कट करती है उसका बोलते हो मेटा सेंटर पॉइंट। इस केस में क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको टिल्ट किया यहाँ पे दो कपल का फॉर्मेशन हुआ, एक कपल आया इस जी की वजह से, दूसरा फोर्स आया इस बी की वजह से। तो ये जो कपल आपका बनता है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को इस टिल्ट डायरेक्शन में मूव किया एट ए मोमेंट उसी समय को कपल का फॉर्मेशन हुआ और वो जो कपल का फॉर्मेशन हुआ वो अपोजिट टू दिस डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये आपकी हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कपल अब इस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करता है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में जो मेटा सेंटर पॉइंट है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहाँ रहेगा, ऊपर। सेकेंड हम इस केस की बात करते हैं, आपने इस ऑब्जेक्ट को और टिल्ट किया तो एक ऐसी कंडीशन आई जो सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ शिफ्ट हुआ और जो मेटा सेंटर है वो जी से कट हुआ। इस केस में क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट किया दो कपल बने, एक कपल बना जी की वजह से, दूसरा कपल बना आपका बी की वजह से और इस कपल फोर्स ऑफ बायंसी एंड वेट, ये जो कपल बना ये कपल वापस बन गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपने ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया उसी मोमेंट पे जो कपल आपका बना वो भी किस डायरेक्शन में बना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट को और उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट पूरा इन पोजिशन में वापस नहीं आ पाएगी, इसलिए इसको आप बोलते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में जो मेटा सेंटर पॉइंट है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे रहेगा। तो यहाँ से चीज़ के लिए डिफाइन होती है, अगर मेटा सेंटर पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है फ्लोटिंग की कंडीशन में, ध्यान रखना समझ के केस में सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिफाइन किया जाता है। मेटा सेंटर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मेटा सेंटर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपका ऑप्शन जो होगा, जो मेटा सेंटर पॉइंट है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहाँ होना चाहिए, ऊपर, इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम।